मैंने तो आज तक एडल्ट फिल्म देखी नहीं, जो आज देख लिया। अगर थोड़ी देर आज लेट होता तो मैंने क्या क्या देखने मिल जाता। अब सर बाहर के कामों में इतना बिजी रहते हैं कि घर पे क्या चल रहा है कैसे पता लगेगा। वो राकेश खुराना का केस भी तो कुछ ऐसे ही था। अब देखते हैं सर उनके साथ क्या करते हैं। जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर कैसे मारेंगे। शर्म तमीज क्या रद्दी में भेज दिया आप लोगों ने। डीडी रहने दो, इट्स ओके, निकलो तुम। आज तक तुम्हारी आशुड़ी बनकर जी रही थी, अब अवनी की मां बनकर जीऊंगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा सर, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन जो दिखाई देता है उसे झूठ साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। क्या हो गया है नील तुम्हें? कहाँ गया वो नील जो सच का साथ देने के लिए हमेशा दुनिया के खिलाफ हो जाता था? प्लीज आप फिक्र मत करो दादी, वो दिन दूर नहीं जब उस बच्चलन माँ की बच्चलन बेटी पे पूरी दुनिया उंगली उठाएगी। भरोसा कीजिए मुझ पर, आखिर मैं भी दयावंती मेहता की पोती। Congrats, partner. हमारी पहली कामयाबी के लिए, पहली जीत, हम दोनों को मुबारक हो। आपको भी। से बात हुई? कोशिश मत छोड़ना, याद रखना रिश्तों पर पत्थर मारने वाले ना 100 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन रिश्ते की डोर को संभालने के वक्त कोई नहीं खड़ा होगा। वो डोर तूने खुद संभालनी होगी, संभालेगी ना? कहाँ हूँ मां, आज मुझे आपकी जरूरत है। सर वो पुराना जिसने अपनी वाइफ का मर्डर किया, उसकी बेल एप्लीकेशन आई है सर। अब तो आप उसकी बेल मंजूर कर देंगे ना सर? आखिर आपके घर में भी तो। तमीज से बात कीजिए, बॉस हैं आपके। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना सोच रहा था कि सर उस मुजरिम के हालात को अच्छे से समझ सकते हैं। जब अपनी घरवाली का चक्कर किसी बाहर वाले के साथ होता है तब। हाँ भाभी। दीदी नील कहा है, मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ। भाभी नील सर ठीक नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है ना इस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी भी गुस्से से यहाँ से निकले हैं। भाभी मुझे तो डर है कि वो ऐसा वैसा कुछ ना कर बैठे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन नील का कॉल आया तो प्लीज मेरी उससे बात करवा देना। जी भाभी।
कहाँ हो नील? इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमारा बात करना बहुत जरूरी है, वरना बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। हेलो,